कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी 7 अक्टूबर को मंडी में प्रस्तावित ऐतिहासिक पंडल मैदान में आने वाले हैं। इसकी तैयारी को लेकर मंडी जिला कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि रैली में लगभग 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली के माध्यम से हिमाचल में सकारात्मक संदेश भी देंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से मोदी सरकार की गलत नीतियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा और लोगों से इसकी जवाबदेही मांगने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार अपना मिशन रिपीट जरूर पूरा करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का जो प्रस्तावित 7 तारीख की जो मंडी में होने वाली रैली है उसमें स्वागत करते हैं। और इस रैली में जिला कांग्रेस कमेटी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार इसमें विशेष जो भूमिका रहती है जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की, जिला कांग्रेस कमेटी की। और इस रैली को सफल बनाने के लिए मैंने अपने सभी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको इस रैली में एक आम कार्यकर्ताओं की और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं जो आम जो हमारे कांग्रेस पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी जो हाजिरी है उनकी जो उपस्थिति है सुनिश्चित बनाने के लिए उचित जो दिशा निर्देश है वो दिए हैं। इसी के अंतर्गत आज हमारे त्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है और सभी ब्लॉक अध्यक्षों को इसमें अपनी पूरी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। ये जो मंडी में रैली होने वाली है इससे पूरे हिमाचल में जो मंडी केंद्र में पड़ता है पूरे हिमाचल में एक सकारात्मक एक संदेश जाएगा और ये रैली हमारा जवाब होगी। इस रैली के माध्यम से हम जो जवाब देंगे मोदी सरकार की नीतियों को और जो उनकी जो जनता विरोधी जो नीतियां हैं उनके जो कार्यक्रम है इस रैली के माध्यम से उनको जवाब दिया जाएगा और मिशन जो रिपीट है उसको सुनिश्चित किया जाएगा।